नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास टेंथ के मैथ से है और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड द्वारा मैथ के जारी के मूल पेपर से है और ये क्वेश्चन नंबर 16 है और इस क्वेश्चन जो टाइप है वो सब्जेक्टिव है और ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क का है। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर जो है हमें अर्धवृत्ताकार खेत का जो है परिधि निकालना है, परिमिति निकालना है और जिसके लिए जो है हमें इस अर्धवृत्ताकार खेत का जो है व्यास दिया गया है कितना, तो 24 सेंटीमीटर। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया गया है कि अर्धवृत्ताकार खेत की व्यास बराबर, तो यहां देखिए अर्धवृत्ताकार खेत की व्यास बराबर कितना, तो 24 सेंटीमीटर। तब जो है यहां देखिए तब अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या क्या होगा, तो यहां देखिए त्रिज्या होगा व्यास बटा 2, मतलब 24 सेंटीमीटर बटा 2 मतलब 12 सेंटीमीटर। तो अब चलिए इसके बाद चलते हैं प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार जो है हमें अर्धवृत्ताकार खेत की जो है परिमिति निकालना है, तो यहां पर लिख लेते हैं प्रश्नानुसार अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति बराबर क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति या अर्धवृत्ताकार खेत की परिधि जो है क्या होगा, तो सेमी होगा। तो ये जो है अर्धवृत्त है और हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, तो यहाँ देखिए 2πr + 2r मतलब इस खेत के व्यास और इस वाले भाग का लेंथ का लंबाई का सम जो है क्या कहलाएगा, तो इस अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति कहलाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 × 22/7, आर का मान कितना है, तो 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 + 2 × क्या होगा, तो आर का मान है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। ये देखिए 2 × 12 जो है दोनों में है तो ये जो है कॉमन आ जाएगा, 2 × 12 जो है कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर रहेगा 22/7 + 1। यहाँ देखिए 2 × 12 इसमें भी है, 2 × 12 इसमें भी है, तो ये जो है कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा, 22/7 + 1। यहाँ देखिए 2 × 12 कितना होगा, तो 24 और ये होगा यहाँ पर जो है 1/1 बना लेते हैं और 7 और 1 कैल्शियम क्या होगा, तो 7 और जब 7 से जो है 7 में भाग देंगे कितना आएगा 1 और 1 × 22 क्या होगा, तो 22 + 1 से जब 7 में भाग देंगे कितना आएगा 7 और 7 × 1 क्या होगा, तो 7 होगा। यहाँ देखिए 24 × 22 + 7 कितना होता है, तो 29, तो 29 बट्टा यहाँ पर होगा 7, 24 × 29 बटा 7 और ये बराबर होगा 696/7 का, मतलब यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर। तो जब 24 और 29 गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 696 और नीचे में 7 है तो 7। और जैसे कि हम जानते हैं कि परिमिति जो है क्या होता है, तो लंबाई होता है और लंबाई का मात्रा क्या होता है, तो सेंटीमीटर, यहाँ पर होगा सेंटीमीटर। तो 696/7 सेंटीमीटर जो है क्या आ गया, तो इस अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति आ गया।